जो हमारा सन है वो कॉन्टिन्यूसली चार्ज पार्टिकल्स को स्प्यू आउट कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में फैलते हैं और लाइट रेन की तरह हमारे अर्थ के ऊपर भी गिरते हैं और हमारे अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है सारी सोलर विंड को। बट इस सोलर विंड को जब ज्यादा तुम एक लेवल ऊपर ले जाओ तो तुम्हारे सोलर फ्लेयर्स आते हैं, बड़ी एक्सप्लोजन्स होती है तुम्हारी CME, कोरोनल मास इजेक्शंस। तो कोरोनल मास इजेक्शंस बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा स्प्यू आउट करता है, इजेक्ट आउट करता है, और वो किसी भी डायरेक्शन में इजेक्ट कर सकता है। अब अगर हम अनलकी हुए तो वो अर्थ को हिट भी कर सकता है। और सोलर स्टॉर्म के टाइम जो सन हम पे एनर्जी फेंकता है बेसिकली वो दो ही फॉर्म में फेंकता है, एक सोलर फ्लेयर्स में और एक CMEs में, कोरोनल मास इजेक्शन। राइट, 2012 में दो CMEs हमारी अर्थ की तरफ छोड़े गए थे, तो हम अप्रोक्सीमेटली 10 दिन से बचे थे। और 10 दिन देखा जाए तो बहुत नैरो है भाई, बहुत रेयर था, बहुत कम है। इनफैक्ट फरवरी 2022 में 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स वर्थ ओवर $50 मिलियन क्रैश हो गई थी। एलन भैया को काफी नुकसान हुआ था। राइट, $50 मिलियन को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो है मोर देन 400 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ज्यादा मैंने उसको पता है इंडियन रुपीज में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि जो मंगलयान मिशन था बोला जाता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है 450 करोड़। तू इमेजिन कर, इंडिया ने 450 करोड़ लगा के मंगलयान मार्स जो ऑर्बिटर है मार्स ऑर्बिटर को भेजा, और सोच अगर वो मार्स के ऑर्बिट में जाने से पहले ही CME से टकरा जाता। सही कह रहा भाई। मुझे ऐसा लगता है वो तो इलॉन मस्क है स्टारलिंक, उसको क्या फर्क पड़ रहा है उसकी 40 स्टारलिंक सैटेलाइट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए। 50 मिलियन इज नथिंग फॉर इलॉन मस्क। बिलियंस में खेलने वाला बंदा वो, ठीक कोई नहीं, टेस्ला महंगी कर देंगे, टेस्ला महंगी कर देंगे दो दिन। बट फियर ये है कि सोच अगर वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसी स्टार्टअप का होता, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता। हां यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सबसे बुरी बात ये है कि नेक्स्ट डे ही हो गया था जब स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करा, उसके नेक्स्ट डे वो हो गया था जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। ये तो वही हो जाता ना कि ग्राउंड पे थे वो कि सक्सेस होगा नहीं होगा, हाँ सक्सेस हो गया, पार्टी करी और पार्टी के बाद फिर फेल। और नासा तो अभी वो भी कह रहा है मेरे ख्याल से 2024 में ही उसको भेजने वाला है ना एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में, आर्टेमिस। राइट, आर्टेमिस मिशन। हाँ, आर्टेमिस उसको भेजेगा क्या, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा वो? तो नासा 2030 पे मून पे बेस बनाना चाहती है, इलॉन मस्क 2040 तक मार्शियन सॉइल पे एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहता है। अब देयर इज समथिंग जो लोग बहुत ज्यादा कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, वो हमारा एटमोसफेयर की प्रोटेक्शन और हमारे मैग्नेटोस्फेयर की प्रोटेक्शन। मून और मार्स में ये दोनों ही चीजें नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है। हाँ, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी लोग वो समझ नहीं पाते इंपॉर्टेंस। right. वो बस ऐसे कि ऑक्सीजन ओजोन लेयर है, बात खत्म। ना 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 ना, ना भैया, right, एक बार बाहर निकल के तो देखो। और हमारा मैग्नेटोस्फेयर सारी हार्मफुल रेडिएशंस जितनी वो डिफ्लेक्ट कर सकता है डिफ्लेक्ट कर देता है, उसके बावजूद भी अगर कुछ एंटर कर गई तो हमारा एटमॉस्फेयर तो है ही। अब मून पे बेस बनाने का मतलब है नो एटमॉस्फेयर, नो मैग्नेटोस्फेयर, एस्ट्रोनॉट्स गए। इनफैक्ट गैरेट रीजमैन करके एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट था, एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो गैरेट रीजमैन ने बोला कि जो मार्स तक जाने की जर्नी है, तो मार्स तक जाने की जो जर्नी है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है सोलर फ्लेयर्स और CME से बचना। Then you gotta worry about solar flares, SPEs, solar proton events, and they could totally fry you. They're even worse than the... fuck. Yeah. So conceivably we could send people to Mars and halfway there they get cooked. Yeah. Well, so what you can do is you can have a storm shelter. And you have enough warning time to get everybody into the storm shelter. How much time do you have? You have like an hour. So it could be at different magnitudes and different directions. And it could just kill you even if you have the shielding. I mean, if it's a really huge one. अब हम आते हैं कि अगर एक सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करे तो व्हाट कैन वी डू इन सच अ सिनेरियो। ये एक टाइप का तू कह सकता है कि डिजिटल वो है एपोकलिप्स, जो सैटेलाइट्स है उनको भी इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो इस टाइप के स्टॉर्म्स को टाइम रहती है अगर उनको हम सेफ मोड में डाल दें, जो मैंने सुना था सेफ मोड होता है, तो हाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। और भाई और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं जैसे आपका फोन हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, इनको भाई आप, मैंने सुना था कि फॉइल में कवर करके रखो, मुझे ये नहीं पता क्यों, पर इनको मैंने सुना था कि फॉइल पेपर में कवर करके और अच्छे से कहीं पे रख दो तो इनको भी इतना हार्मफुल नहीं होगा। एक्चुअली अगर पावर आउटलेट से कनेक्टेड नहीं है तो इनको मोस्टली हार्म नहीं होगा। हाँ, मोस्टली हार्म नहीं होगा। एक फाइनल चीज है जो कि मेरे को डरा देती है, हम बात कर रहे थे सैटेलाइट्स के बारे में, मार्स के बारे में, व्हाट अबाउट ह्यूमंस? अब जैसे कि हमने बोला ये बायोलॉजिकल बीइंग्स को सोलर स्टॉर्म अफेक्ट नहीं कर सकती, राइट? नहीं कर, हाँ हाँ। बट What about neural link technology? आने वाले दो तीन चार पांच डेकेड में डेफिनेटली, तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ, लोग एक्चुअली अपने सर में चिप्स लेके घूम रहे होंगे। अगर वो चिप्स फ्राई हो जाए, आई डोंट नो अगर वो हो सकता है नहीं हो सकता, इमेजिन करो चिप्स फ्राई हो जाए एक सोलर स्टॉर्म की वजह से, भेजा फ्राई भाई बेसिकली, भेजा फ्राई है, फिर सच में हो जाएगा, फिर सच में भेजा फ्राई हो जाएगा। तो पता ये सारी चीजें मेरे को डरा देती है, क्योंकि भाई अब हम 2040 2050 तक देखे एक्चुअली तुम कह सकते हो कि भाई न्यूरल लिंक जैसा है, फिर सिमिलर टेक्नोलॉजी अगर सर पे नहीं तो बॉडी के कई और
पार्ट्स में बेसिकली नहीं और एग्जैक्टली तो तुम एक्चुअली एक साइबॉर्ग हो. अब वो साइबॉर्ग कैसे इफेक्ट होंगे सोलर स्टॉर्म से, इसको तुम प्रिपेयर भी नहीं कर सकते इस चीज के लिए तुम खुद को. हाँ वही है भाई, फिर जिनके में इम्प्लांट होगा उनको लिए अलग से प्रिकॉशन निकलेंगे और उन्हें अगर सही सलामत रहना है तो उनको फॉइल पेपर में बांध देंगे. हाँ उनको फॉइल पेपर में बांधना पड़ेगा. एग्जैक्टली भाई, अपनी ऐसे मजाक नहीं उड़ाते भाई. राइट राइट. तो एक्चुअली थोड़ी सी गुड न्यूज भी है. गुड न्यूज ये है कि जैसे सोलर स्टॉर्म की वजह से अर्थ मैग्नेटोस्फेयर में जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है और हमारा एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ज्यादा ही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है. क्या होता है कि जियो स्टॉर्म में हमारा एटमॉस्फेयर स्वेल कर जाता है, काइंड ऑफ वो डेंस हो जाता है. तो जियो स्टॉर्म सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स को अपनी तरफ नहीं खींचता, उनका ऑर्बिट डिके नहीं करता, वो स्पेस जंक का भी ऑर्बिट डिके कर देता है. वी कैन गेट रिड ऑफ स्पेस जंक. अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है. और अगर सैटेलाइट्स अगर ऑफलाइन ना जाए तो फिर उनका हम ऑर्बिट दोबारा से वो गेन कर सकते हैं. गेन कर सकते हैं. हाँ हाँ. आज की डेट में अगर कैरिंगटन लेवल सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करता है तो इट विल बी अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर नेचुरल डिजास्टर. $1 trillion. राइट. कैरिंगटन क्लास इवेंट वो जो था, अगर वो अर्थ को डायरेक्टली हिट करता तो ग्लोबली टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता. टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब है वो हिस्ट्री में पहला 14 figure natural disaster होता. अच्छा.